दोस्तों साथ निभाना साथिया सीरियल में गोपी बहू का किरदार निभाकर प्रसिद्ध हुई अभिनेत्री जया मानिक ने जब से सीरियल को छोड़ा तब से इनके करियर में बिल्कुल ग्रहण लग गया, क्योंकि इस सीरियल के बाद इन्हें टीवी के चुनिंदा सीरियल्स में ही काम करने का मौका मिला। पर अब अभिनेत्री जया मानिक की किस्मत चमकने वाली है, क्योंकि अभिनेत्री जया मानिक जल तेरा मेरा साथ रहे सीरियल से कम बैक कर रही है। लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं, आज इस नए सीरियल से वापसी करने वाली अदाकारा जया मानिक के लिए टीवी इंडस्ट्री में कमबैक करना इतना आसान नहीं था, बल्कि इनके टीवी पर वापसी करने में कई सितारों का अहम योगदान रहा है, जिनके बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं। तो आइए जानते हैं कौन से हैं वो सितारे। नंबर वन, श्रेया रॉय। जया मानिक अगर आज टीवी इंडस्ट्री में दोबारा से वापसी कर रही है तो इसमें सबसे पहला योगदान है अभिनेत्री श्रेया रॉय का, क्योंकि इस सीरियल के लिए जब ऑडिशन चल रहे थे तो श्रेया रॉय और जया मानिक दोनों ही ऑडिशन देने आई थी, लेकिन जया मानिक का नेचर श्रेया रॉय को इतना पसंद आया कि ऑडिशन बीच में छोड़कर चली गईं। उन्होंने ये रोल अभिनेत्री जया के नाम कर दिया। नंबर टू, वेदराज। जया वेदराज वही है जो की तेरा मेरा साथ रहे सीरियल को प्रोड्यूस कर रहे हैं, इसलिए तो जया मानिक की वापसी में इनका नाम तो आना बनता है। इन्होंने ही तो जया मानिक का ऑडिशन लिया है, तो उन्हें इनके अंदर इस किरदार को निभाने के सारे गुण दिखे हैं, इसलिए इन्होंने पल भर की भी देरी ना करते हुए इन्हें सिलेक्ट किया और अब ये जल्दी इनकी बदौलत इस सीरियल में काम करने वाली हैं। नंबर फोर, अंकित बत्थला। जी हाँ, इस लिस्ट में एक नाम है तब की प्यार की सीरियल से मशहूर हुए अभिनेता अंकित बत्थला का, जो की जया मानिक के बॉयफ्रेंड है। इसलिए जब जया मानिक कई सीरियल्स के लिए ऑडिशन दे रही थी तो उन्हें रिजेक्शन का सामना करना पड़ा, इसलिए वो तेरा मेरा साथ रहे सीरियल की ऑडिशन देने के लिए पहुंची, लेकिन वो बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। अभिनेता अंकित ने इन्हें मनाया, इन्हें उत्साहित किया, इस बार ये रोल के लिए सिलेक्ट हो जाएंगी और आखिरकार इनके बॉयफ्रेंड की मेहनत रंग ले आई। नंबर फोर, रूपल पटेल। आपको बता दें साथ निभाना साथिया सीरियल में रूपल पटेल ने गोपी की सास का किरदार निभाया था, जिसके बाद से सीरियल में काम करने के दौरान रूपल पटेल और जया मानिक की दोस्ती इतनी गहरी हो गई, तभी तो जब तेरा मेरा साथ रहे शो के लिए रूपल पटेल सिलेक्ट हो गई थी तो उन्होंने सीरियल के लिए लीड एक्ट्रेस के रूप में जया मानिक का नाम सजेस्ट किया। उसके बाद जया मानिक ऑडिशन देने आए और वो सिलेक्ट हो गई। तो दोस्तों आप कितने एक्साइटेड हैं जया मानिक को इस नए शो में देखने के लिए, आप हमें कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही टीवी जगत से जुड़ी ऐसी मसालेदार खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।